डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि नॉर्मल लॉज की है बुक, इसका पार्ट टू हम करने वाले हैं। पहले में मैंने आपको 10 वर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे कि वो हमारी पर्सनैलिटी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कि भाई कोई ईगो है, किसी कोई ईगोइस्ट पर्सन है, कोई ईगोटिस्ट पर्सन है, कोई एल्ट्रुइस्ट पर्सन है, चल नहीं रहा यार क्या, एल्ट्रुइस्ट पर्सन है, ओके, तीन हो गए हमारे सामने, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, सॉरी ये चल नहीं रहा शायद, एक्स्ट्रो फिर दिक्कत हो रही है, एम्बीवर्ट है, ओके एम्बीवर्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, एक्स्ट्रोवर्ट हो गया, एम्बीवर्ट हो गया, कोई मिसोजिनिस्ट है, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट है, ओके हमारे सामने कितने हो गए, इगोइस्ट हो गया, इगोटिस्ट हो गया, इल्ट्रुइस्ट हो गया, इंट्रोवर्ट हो गया, एक्सट्रोवर्ट हो गया, एम्बीवर्ट हो गया, मिसोजिनिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट हो गया, मिसैंथ्रोप हो गया, ये नहीं चल रहा, मिसैंथ्रोप हो गया, फिर एक लास्ट वर्ड था एसेटिक, एसेटिक चल जाए यार, एसेटिक, ओके ये 10 वर्ड हमने किए थे। और किसी ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना यहाँ पे आपके सामने एक आईबॉल आ भी रहा है, आप इस पर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं, बहुत अच्छे से करवाई है और मैंने उसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों को वहीं के वहीं करवा दी थी, 3 से 4 मैंने शायद आपको प्रैक्टिस करवाई थी, नहीं 3 ही प्रैक्टिस करवाई थी, एक आपके जो वो थी उसमें प्रोनाउंसिएशन थी कि कैसे आप उसको उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, और साथ उसके फिर 3 प्रैक्टिस भी थी, वो अब अपने आप को भूल जाओगे लेकिन वो वर्ड्स नहीं भूलोगे। आज हम क्या करने वाले हैं, जो जिनसे हमने ये वर्ड किए थे, इगोइस्ट, इगोइस्ट जो था, इगोटिस्ट जो था, और एल्ट्रुइस्ट, ये स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स लेंगे और इन स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स से अब कुछ और वर्ड्स बनने वाले हैं, इन्हीं सिर्फ 3 वर्ड्स से, देखिए इन्हीं 3 वर्ड्स से क्या है और वर्ड्स बनेंगे, उन्हीं को हम देखने वाले हैं, बाकी जो हमारे ये 3 वर्ड तो लेंगे बाकी जो 7 वर्ड है उनको बाद में देखेंगे, आने वाले जो हमारा सेशन नेक्स्ट होगा, सीजन जो नेक्स्ट होगा उसमें हम उनको डील कर लेंगे। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं, ओके ओरिगन एंड रिलेटेड वर्ड्स, मतलब कि जो हमने 10 वर्ड्स किए थे 19 से रिलेटेड हम कर रहे हैं कि उनका उत्थान यानी वो कहाँ से आए हैं। एवरी वर्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ए हिस्ट्री एंड दीज 10 आर नो एक्सेप्शंस, और इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन यानी अपवाद होता है ना कि ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये कहते हैं इनकी कोई एक्सेप्शन नहीं है। इन दिस सेक्शन यू विल लर्न ए गुड डील मोर अबाउट द वर्ड्स यू हैव बीन वर्किंग विद, इस सेक्शन में आप क्या करोगे कि एक आप अच्छे वर्ड्स के साथ डील करने वाले हो और उन्हीं के साथ आप काम करोगे, इन एडिशन यू विल मेक एक्सक्यूजन यानी सैर करने वाले हो इनटू मैनी वर्ड्स एलाइड इधर इन मीनिंग फॉर्म और हिस्ट्री ऑन टू आवर बेसिक 10, जो हमारे जो हमने 10 जो किए हैं उन्हीं के बेसिक पे आप नए वर्ड्स की सैर करने वाले हो, उन्हीं में आप खोने वाले हो, मतलब कोने कोने की बात नहीं है, ऐसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, क्लियर यहाँ पे। चलो हम स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला जो था ओके हमारा क्या था पहले, इगोइस्ट, इगोटिस्ट, ये चल नहीं रहा यार, प्रॉब्लम हो रही है, इगोइस्ट और इगोटिस्ट ये दो हमारे वर्ड थे, उन्हीं का हमने क्या लिया यहाँ पे, ईगो लिया, ओके ईगो लिया। अब ये जो एक लैटिन वर्ड है, इगोइस्ट एंड इगोटिस्ट आर बिल्ट ऑन द सेम लैटिन रूट प्रोनाउन ईगो, ये जो दोनों वर्ड हैं इगोइस्ट और इगोटिस्ट और इगोइस्ट, ये दोनों सेम लैटिन के जो एक रूट वर्ड है ईगो, ये वहां से लिए गए हैं, जिसका मीनिंग होता है, इस ईगो का मीनिंग होता है आई यानी मैं, जो होता है ना मैं की अहंकार होती है, ये वो वही है, वही वाला ईगो है, ये ईगो हम बोलते हैं ना, मेरी ईगो को हर्ट मत करना यानी मुझे हर्ट मत करना भाई, इज द ग्रेटेस्ट, आई इज द ग्रेटेस्ट कंसर्न इन द ईगो इगोइस्ट माइंड, जो इगोइस्ट मैंने क्या बताया था, इगोइस्ट कैसा पर्सन होता है, सेल्फिश होता है, ग्रीडी होता है, लालची यानी होता है, वो सिर्फ अपना ही फायदा देखता है, वो हर चीज़ में ये पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा, ये वही ये क्या बोलता है,
जो इगोइस्ट होता है उसके माइंड में, जो इगोइस्ट होता है उसके माइंड में सबसे कंसर्न यही रहता है कि आई मैं अपने आप को प्रथम रखते हैं, तो ईगो के कारण ही वो अपने आप को प्रथम रखता है, क्योंकि ईगो का मतलब ही आई है। द मोस्ट ओवर यूज वर्ड इन द इगोटिस्ट वोकेबलरी। अब क्या होता है कि हम इगोइस्ट की जगह ज़्यादातर इगोइस्ट की जगह इगोटिस्ट ज़्यादा यूज कर देते हैं, इगोइस्ट की जगह इगोटिस्ट ज़्यादा यूज कर लेते हैं वोकेबलरी में। आपको कीप द वर्ड डिफ्रेंशिएटेड इन योर ओन माइंड बाय थिंकिंग ऑफ द टी इन टॉक एंड इन एडिशन टी इन इगोटिस्ट। आपको हमेशा ये याद रखना है कि इगोइस्ट में सिंगल टी आता है, और जैसे टॉक वाला टी होता है ना टॉक, तो ये वाला टी हमेशा, यानी एक टॉक में एक टी आता है, वही टी आता है इगोइस्ट में, जबकि इगोटिस्ट में हम एक टी और ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमें, इनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? आगे क्या बोलते हैं, ईगो इटसेल्फ हैज़ बीन टेकन ओवर फ्रॉम लैटिन एज एन इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड। ईगो जो है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो इंग्लिश वर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इज कॉमनली यूज टू डिनोट वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ। और ईगो जो है वो अपने आप में ही एक क्या यूज़ करता है, वो अपने आप का कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी मैं, मेरा, मैं, ये सब अपने आप में, वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ अपने आप में ही बताता है अपने आप को। ओके, एज इन व्हाट डू यू थिंक योर कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म डू टू माई ईगो, मतलब तुम क्या सोच रहे हो मेरे ईगो को क्रिटिसिज्म या आलोचना करने, या मेरे मेरे मतलब कि जो भी अहंकार होता है उस चीज़ के बारे में। ईगो हैज़ ऑल्सो ए स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजी, बट फॉर द मोमेंट यू हैव इनफ प्रॉब्लम विदाउट गोइंग इन टू दैट। ईगो का काफ़ी सारी साइकोलॉजिकल में भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाने वाले हैं। इफ़ यू आर एन ईगो सेंट्रिक, अब क्या बोलता है, आप ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक ईगो सेंट्रिक पर्सन है, देखो ईगो 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 सेन ईगो सेंट्रिक, आप एक ईगो सेंट्रिक पर्सन है, यू कंसीडर यूअर सेल्फ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट। अब आपने वो एडजेक्टिव की डिग्री सुनी ना, एडजेक्टिव की होता है ना गुड, एक होता है गुड, एक होता है बेटर, फिर आता है बेस्ट। ओके, थर्ड डिग्री होती है ये बेस्ट, मतलब कि सिंपल पॉजिटिव कंपेरेटिव और ये सुपरलेटिव, ये थर्ड डिग्री होती है हमारे सामने। तो इगोइस्ट होता है ना वो, समझ लो आप फर्स्ट है, और जो इगोसेंट्रिक जो है वो सेकंड है। कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक आप ये समझ लो कि इगोइस्ट बंदा ये है, इगोसेंट्रिक बंदा यहाँ पर है, उसके मतलब ये इतना बड़ा हो गया। अब यहाँ पे अब ये होता है अपने आप को यूनिवर्स के सेंटर में रखता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे ही धरती घूमती है चारों तरफ, तो वो इगोसेंट्रिक पर्सन होता है। क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इगोइस्ट, इगोइस्ट की बहुत ऊंची फॉर्म होती है। मान लो कि ये इगोइस्ट की फॉर्म है, इतनी इतनी है, इतना ही ऊंचा इगोइस्ट है, लेकिन इगोसेंट्रिक पर्सन की तो सोच यहाँ पर है। एंड इफ यू आर एन इगोमैनिक, अगर आप इगोमैनिक हैं, इगोमैनिक, अगर आप इगोमैनिक है तो आप समझ लो ये रहे आप, क्लियर, एक पागलपंत की हद होती है यहाँ पे। अब इगोमैनिक, यू कैरी इगोइज्म टू सच एन एक्सट्रीम दैट योर नीड, तुम्हारी नीड, डिजायर्स, तुम्हारी जो चाहने वाली होती है, जो तुम्हारी इच्छा होती है, एंड इंटरेस्ट हैव बिकम ए मॉर्बिड ऑब्सेशन, यानी एक जुनून बन जाता है, आपको वो ही पाना है। और मेनिया, एक मेनिया का मतलब होता है पागलपन, एक पागलपन हो जाता है। द इगोइस्ट और इगोटिस्ट, यानी मतलब यहाँ तक समझ लें, अगले पेज पे चला जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ पे। ईगो क्या, ईगो यहाँ से एक वर्ड निकल के आता है, ईगो हैज़ ऑल्सो स्पेशल मीनिंग इन साइकोलॉजिकल, जिसका मतलब होता है कि आप अपने ये वाला से वंस वन वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, यानी आपका ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ आप अपने लिए वो एक कॉन्सेप्ट चलाते हो, ठीक है? तो ईगो का मीनिंग होता है, ईगो सेंट्रिक ईगोइस से बड़ा होता है। इगोमैनिक तो इगोसेंट्रिक से भी बड़ा होता है, यानी एक पागलपन की वो होती है, उस बंदे को तो वो हर कीमत पे चाहिए चाहिए। आपने एक चीज़ देखी होगी काफ़ी सारी मूवीज़ में कि
कि एक लड़का होता है वो पागल होता है बिल्कुल ही एक लड़की के लिए, वो इगोमैनिक आप उसे बोल सकते हो, कि वो चीज़ उसे चाहिए चाहिए, उसका ऑब्सेशन है, उसको पागलपन है उस चीज़ को पाने का, तो एक वो इगोमैनिक पर्सन कह सकते हैं। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट नहीं है, इसके बाद मैं देख करने वाला हूँ ये द इगोइस्ट और इगोटिस्ट। इगोइस्ट और इगोटिस्ट ओबनिक्शियस ओबनोक्शियस ओबनोक्शियस अप्रिय हैं। जैसे इगोइस्ट और इगोटिस्ट, ये दो चीज़ें, इगोइस्ट और चल जाए यार इगोटिस्ट, ये दो वर्ड्स हैं। ये जो दो वर्ड्स हैं वो ऑब्नॉक्सियस है, बता रहे हैं कि वो अप्रिय हैं। द इगोसेंट्रिक इज इनटॉलरेबल, जो इगोसेंट्रिक है उसे सहन नहीं कर सकते हम, ठीक है। इगोसेंट्रिक पर्सन तो हम सहन नहीं कर सकते, ये तो चलो इनको अप्रिय हैं, हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम इनको एक हद तक सह सकते हैं। लेकिन इगोसेंट्रिक बंदे को तो, इगोसेंट्रिक बंदा तो इनटॉलरेबल है, असहनशील है, मतलब उसे हम सहन नहीं कर सकते। एंड इगोमैनिक, इगोमैनिक इज डेंजरस एंड स्लाइटली मैड, एक पागल इंसान, एक खतरनाक इंसान होता है इगोमैनिक बंदा। इगोसेंट्रिक इज बोथ ए नाउन विद एन इगोसेंट्रिक हर। देखिए यहाँ पे इगोसेंट्रिक क्या बोल रहा है, एक बोथ होता है, एक नाउन भी होता है और एक एडजेक्टिव भी होता है। एक नाउन की आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, व्हाट एन इगोसेंट्रिक हर न्यू रूममेट, कितना उसका इगोसेंट्रिक रूममेट है, यानी कितना इनटॉलरेबल पर्सन है, मतलब कि अपने आप को ही मतलब यूनिवर्स समझता है, यूनिवर्स का सेंटर समझता है, पागल सा इगोसेंट्रिक, ठीक है। एक यहाँ पर एक नाउन की तरह यूज हुआ है। नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट बना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नाउन के कितने काम होते हैं, पांच काम होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने पहली वाली जो स्टार्टिंग की बेसिक वीडियो नाउन की नहीं देखी है तो वो प्लीज़ देखें, आपका ही फायदा है। मैंने ऐसी कोई भी वीडियो अभी तक ऐसी नहीं बनाई है जिसमें आपका टाइम खराब हुए। हर वीडियो की लेंथ मैं 30 मिनट तक रखता हूँ, कई 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 तो वीडियो कम से कम एक एक घंटे की चली जाती है। वो ये होता है कि भाई नॉलेज बहुत देनी होती है, कंटेंट बहुत प्रोवाइड मुझे करवाना होता है, तो मैं मुझे नहीं लगता कि मैं वो 11 मिनट में या 10 मिनट में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। सिंपल सी बात है, ये जो आप काफ़ी सारे चैनल्स में देखते हैं ना कि ये वोकैबलरी सीखिए, सिर्फ 2 मिनट में चुटकियों में आपकी वोकैबलरी हो जाएगी, देखो भाई साहब वो ना होती है बकवास चीज़ें, ये होती हैं, यहाँ पे करनी पड़ती हैं, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, करनी पड़ती हैं, आप खुद करोगे, मैं यकीन कहता हूँ। अगर आप सच्चे दिल से अगर मतलब ये कोशिश कर रहे हो ना इस चीज़ को करने में, ये जो चीज़ें मैं जैसे जैसे करवा रहा हूँ, इसकी जैसे प्रैक्टिस होगी, यकीन करो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी नहीं अटकने वाले, इवन आपकी वोकेबलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छे से समझने लग जाओगे वर्ड्स को, क्लियर। तो मैं देखो उसके ऊपर भी कभी बनाऊंगा एक वीडियो कि भाई हमें मतलब इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना होता है, यहाँ मैं बताने लग गया ना तो बहुत कुछ हो जाता है यार, बहुत कुछ, मतलब वीडियो बहुत लेंथी चली जाएगी। मैं वो चीज़ नहीं छेड़ना चाहता कि इंग्लिश को, इंग्लिश में क्या क्या होता है, मुझे बताने का मन है, लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा एक अगली ही वीडियो में, मैं आपको उससे क्लियर करूंगा कि भाई इंग्लिश को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और मतलब कि कहाँ से क्या क्या करें जिसमें इंग्लिश में अच्छी कमांड है। सिर्फ ग्रामर पढ़ने से तो नहीं होगी ना मेरे भाई, बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। चलो हम करेंगे बात उसके बारे में। तो हम यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन दोनों होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करना। ही इज द मोस्ट इगोसेंट्रिक पर्सन, कौन है ये, देखो इगोसेंट्रिक पर्सन, पर्सन यहाँ पे नाउन है, इसको क्वालिफाई इगोसेंट्रिक कर रहा है, तो ये क्वालिफाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव कर सकता है, तो कर दिया, तो ये एडजेक्टिव हो गया। टू ड्राइव द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इगोमैनिक, एक इगोमैनिक की अगर आपको एक एडजेक्टिव फॉर्म ड्राइव करनी है, इगोमैनिक नाउन होता है, अगर आपको इसकी एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए तो आप इसको क्या करोगे, लास्ट में ए एल जोड़ दोगे, द कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स, किसी भी वर्ड को ज़्यादातर एडजेक्टिव बनाने के लिए लास्ट में ए एल जोड़ा जाता है, तो जो सबसे कॉमन सफिक्स होता है, सफिक्स का मतलब होता है बाद में जोड़ना, प्रफिक्स होता है पहले, सफिक्स होता है बाद में, तो एक कॉमन एडजेक्टिव सफिक्स जो एडजेक्टिव को बनाने के लिए एक सफिक्स जोड़ा जाता है लास्ट में, वो ए एल होता है, से दी एडजेक्टिव अलाउड, इसको आपको थोड़ा सा तेज बोलना होगा, बोलना होगा इगोमैनिकल, 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 क्लियर। यहाँ पे यह हो गया आपके सामने एक एडजेक्टिव हो गया, ये अब नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई कर देगा, ये खुद एक नाउन होता है, इगोसेंट्रिक आपके खुद दोनों ही बहुत नाउन और नाउन और क्या होता है एडजेक्टिव होता है। आ जाओ भाई,
अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि भी नाउन, एक ही वर्ड नाउन कैसे हो सकता है, वो एडजेक्टिव क्या हो सकता है, ये भी मैं करवा चुका हूँ अपनी एडजेक्टिव वाली वीडियो में। बकायदा मैंने आपको उसके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी करवाए थे, बताया भी था कि कैसे एक वर्ड एक सेंटेंस में काफ़ी पार्ट ऑफ स्पीच का काम वो कर सकता है, वो वहाँ से मैंने करा दिया था। तो प्लीज़ आपके लिए बेनिफिट के लिए वो वीडियो देखते चलो, बहुत अच्छी नॉलेज इंक्रीज होने वाली है, जो आपको पैसों में भी नहीं मिलेगी, वो चीज़ मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो आ जाओ भाई, ईगो से हमने वर्ड क्या क्या देख लिए, यार चल जा यार, ईगो से हमने ईगो सेंट्रिक देख लिया है, ईगो सेंट्रिक एक तो ईगो ही देख लिया है। स्टार्टिंग से देखें तो एक था ईगो ईस्ट, एक था ईगो टिस्ट, फिर हमने देखा ईगो, फिर हमने देखा ईगो सेंट्रिक, फिर हमने देखा इगोमैनिकल। अरे यार सारे गया क्या? ओके चलो देख लो, इगोमैनिकल, फिर हमने देखा इगो इगोमैनिकल 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 इगोमैनिक इगोमैनिक, ये हमने देखा पहले। अब हम अदर्स पे आते हैं, अदर्स यानी हम अब हमारे एल्ट्रुइस्ट पे। एल्ट्रुइस्ट, एल्ट्रुइस्ट कौन होता है? जो दूसरों की भलाई करने का उसका मतलब वो होता है, उसने ठेका उठा रखा होता है, जैसे हमारी माँ, हमारी प्यारी माँ जो एल्ट्रुइस्ट है। अदर, अब क्या करना है, इन लैटिन वर्ड, वो भी लैटिन से ही था, ये भी लैटिन वर्ड से लिया, इन लैटिन द वर्ड फॉर अदर, एक वर्ड होता है जो अदर यानी दूसरों के लिए, दूसरों के लिए यूज होता है, दूसरों के लिए। एल्टर, एल्टर में मतलब एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड फॉर अदर इज एल्टर, मतलब दूसरों के लिए, एक एल्टर यूज करते हैं हम, ध्यान से समझना इस वर्ड को, द वर्ड फॉर अदर इज एल्टर। लैटिन में हम अदर होता है ना, इंग्लिश में अदर होता है, उसे लैटिन में उसे कहते हैं एल्टर, अल्टर अल्टर, उसे कहते हैं अल्टर। लैटिन में अदर को अल्टर बोलते हैं, यानी दूसरा, तो उसी ऑल्टर से बना है अभी सारे अल्ट्रोइस्ट। अभी समझते चलना, ऑल्टर का मतलब होता है अदर ही, इंग्लिश में अदर समझ, अदर ही होता है, ठीक है ना? अब समझो इससे क्या क्या बनेगा, एंड नंबर ऑफ वैल्यूएबल इंग्लिश वर्ड्स आर बिल्ट ऑन दिस रूट, और इसी रूट से, ये जो रूट बना जिसका मतलब होता है अदर, ठीक है, इससे बहुत सारे वर्ड्स बन गए हैं, जैसे एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म होता है दूसरों का उपकार करने का सिद्धांत, एल्ट्रुइज्म दूसरों को उपकार करने का सिद्धांत, ये क्या होता है, एक सिद्धांत होता है, तो एक फिलोसफी होती है किसी की, यानी सिद्धांत, द फिलोसफी प्रैक्टिस्ड बाय एल्ट्रुइस्ट्स, एल्ट्रुइस्ट्स, ये एल्ट्रुइज्म जो है वो एल्ट्रुइस्ट्स के द्वारा निभाया जाता है, यानी ये जो एल्ट्रुइस्ट होता है, एल्ट्रुइस्ट एल्ट्रुइस्ट्स के द्वारा, कम फ्रॉम वन ऑफ द वेरियंट स्पेलिंग ऑफ लैटिन एल्टर अदर, ये जो ये कहाँ से लिया गया है, ये स्पेलिंग देख लो जरा, एल्ट्र, ये देखो एल्ट्र, ये यहाँ पर एल्टर है जो वो सेम टू सेम इसी से आया है लैटिन वर्ड से, जिसका मतलब होता है अदर। एल्ट्रुइस्टिक, एक एल्ट्रुइस्टिक क्या होता है, प्रोपकारी, प्रोपकारी, स्किप वन एंड टेक द अदर सो टू स्पीक एज व्हेन यू प्ले गोल, ओके ओके, यहाँ था, यहाँ था ये वर्ड सा, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक एक्शन लुक टुवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर, जो हमेशा दूसरों का भला करता है, दूसरों का भला करने का मतलब हमेशा आगे स्टेप उठाता है, एक एल्ट्रुइस्टिक प्रोपकारी। देखिए एक एल्ट्रुइस्ट होता है, एक एल्ट्रुइज्म होता है, एल्ट्रुइज्म एक सिद्धांत होता है, एक फिलोसफी होती है जिसको कौन करता है, एल्ट्रुइस्ट पर्सन करते हैं, एक होता है एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक एक प्रोपकारी होता है, सेम वही चीज़, एक्शन, एक्शंस लुक फॉरवर्ड द बेनिफिट ऑफ अदर, जो हमेशा दूसरों के बेनिफिट के लिए एक्शन करते हैं। इफ़ यू क्लियर यहाँ पे, एल्ट्रुइस्टिक एल्ट्रुइज्म एल्ट्रुइज्म एल्ट्रुइस्ट एल्ट्रुइस्टिक। अब यहाँ पे आते हैं, इफ़ यू ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, यहाँ पर देखना है इनकी इनकी अल्ट्रुइस्ट एल्ट्रुइस्ट, यहाँ पर डब्ल्यू आ रहा है बीच में, ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, इफ़ यू ऑल्टरनेट यू स्किप वन एंड टेक अदर, ऑल्टरनेट होता है एक के बाद अगला, ठीक है, सो टू स्पीक एज वेन यू प्ले गोल्फ ऑन ऑल्टरनेट सैटरडे, तुम अगर तुमसे कोई पूछे तुम गोल्फ को खेलते हो तो ऑल्टरनेट संडे, यानी एक संडे छोड़ के अगले में, एन ऑल्टरनेट अल्टरनेट आए NYT नेट, इन्हें डिबेट कंटेस्ट और कन्वर्सेशन इज द अदर पर्सन हु विल टेक ओवर इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनेबल टू अटेंड। ओके एक अल्टरनेट
एक डिबेट में क्या होता है, एक कंटेस्ट में, एक कन्वर्सेशन में, इज द अदर पर्सन, जो अदर दूसरा पर्सन होता है, हु विल टेक ओवर द, इफ द ओरिजिनल चॉइस इज अनेबल टू अटेंड, तो ओरिजिनल जो बंदा होता है उसकी जगह वो अटेंड करने के लायक नहीं होता, तो क्या होता है उसकी जगह कोई और आता है, उसे चेंज किया जाता है उसकी जगह, ठीक है। इफ एंड इफ यू हैव एन नो अल्टरनेटिव, नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव होता है इफ यू हैव नो अदर चॉइस, इसका मतलब होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस होना, नो अल्टरनेटिव यानी इसके पीछे नो लगा है तो उसका मतलब यू हैव नो अदर चॉइस। यू सी हाउ इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स वंस यू रियलाइज दैट दे ऑल कम फ्रॉम द सेम सोर्स। अब आपने ये सब देखे तो आपको कितना ईजी लग रहा है कि ऑल्टर का मतलब तो अदर ही होता है, और उससे सारे के सारे वर्ड्स कैसे ड्राइव होके हमारे सामने आ रहे हैं, इसी के ऊपर हम सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा ये रह गया, बस इतना करते हैं। अभी मैंने कहा कि आपको सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, उन्हीं के ऊपर आपको कम से कम 13 वर्ड्स वो आपको याद हो जाएंगे। एंड कीपिंग इन माइंड दैट ऑल्टर, ऑल्टर मीन्स अदर, ऑल्टर का मीनिंग अदर होता है, यू कैन क्विकली अंडरस्टैंड वर्ड लाइक, अब आप इससे अलग अलग वर्ड समझ पाएंगे, जैसे ऑल्टर ईगो, अल्टर ईगो, ऑल्टरकेशन, ऑल्टरेशन। अच्छा इसके बाद कुछ और भी है क्या? नहीं इसके बाद नहीं है, लास्ट ही है। ये वर्ड्स और भी समझ पाएंगे, ऑल्टर ईगो क्या होता है, ऑल्टरकेशन क्या होता है, ऑल्टरेशन क्या होता है। अच्छा इसी से शुरुआत कर रहे हैं, ऑल्टरेशन से। एंड ऑल्टरेशन, ऑल्टरेशन इज ऑफ कोर्स ए चेंज, ऑल्टरेशन का मतलब होता है चेंज, बदलना, ए मेकिंग इनटू समथिंग, समथिंग अदर, मतलब कि आप समझ लो कि दूध को दही में बदल दिया, तो ऑल्टरेशन एक चेंज, एक सोर्स फ्रॉम मेकिंग इनटू समथिंग अदर। व्हेन यू ऑल्टर योर प्लान, यू मेक अदर प्लान। ऑल्टर का मीनिंग होता है कि आपने कोई प्लान बनाया, अब आपने उस प्लान की जगह दूसरा प्लान बना लिया, बिल्कुल ही चेंज कर दिया, कि क्या हो गया, अब उसके ऑल्टर कर दिया आपने। बट ऑल्टरेशन का मतलब होता है मेकिंग इनटू समथिंग अदर, किसी चीज को दूसरी चीज में बना देना। प्लान का तो आप बिल्कुल ही चेंज कर रहे हो, अदर ही प्लान बना रहे हो, यहाँ पे चेंज नहीं मतलब अदर प्लान ही कर रहे हो। एंड ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन होता है इज ए वर्बल डिस्प्यूट, यानी शब्दों से लड़ा जाने वाला युद्ध, एक तरीके से ऑल्टरकेशन कह सकते हैं। व्हेन यू हैव एन ऑल्टरकेशन, व्हेन यू हैव एन ऑल्टरकेशन विद समवन, आपको किसी के साथ ऑल्टरकेशन हो जाए, यू हैव ए वॉयलेंट डिसएग्रीमेंट, तो आप क्या हो गए उस वक्त, उस कंडीशन पे आप एक बहुत ज़्यादा एक वॉयलेंट हो जाओगे, मतलब भड़कने लग जाओगे, एक फाइट विद वर्ड्स, मतलब हाथापाई ना हो के बाकी सब कुछ हो रहा है बस वहाँ पे ऑल्टरकेशन में। एंड वाई, बिकॉज, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज यू हैव अदर आइडिया, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अल्टर आ गया, अल्टर होता है मतलब कि अदर, आपके पास अदर आइडिया है, अदर प्लान है और अदर ओपिनियन है। एंड देन दोज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उस अदर साइड जो आर्ग्यूमेंट कर रहा है उस अदर पर्सन से आपके अदर आइडिया है, अदर प्लान है, अदर ओपिनियन है। जैसे राजनीति, कोई बीजेपी को पसंद करता है तो कोई कांग्रेस को, कोई आम आदमी को, कोई बीएसपी को, सीबीएसपी को, तो सबके अपने अपने कुछ पसंद करने के तरीके होते हैं, तो उनके बीच में जब भी वो आपस में बैठते हैं तो ऑल्टरकेशन होता है उनके बीच में, क्योंकि उनकी क्या होती है, माइंड सेट बहुत अलग होती है, तो वो ऑल्टरकेशन हो जाती है, और इस हद तक हो जाती है कि अभी आप समझ जाओगे कि वो इज लाइकली टू बी एंग्री और इवन हॉट टेम्पर्ड, कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। देयर में बी रिकोर्स, रिकोर्स होता है सहारा लेते हैं, ये क्या सहारा लेते हैं, इफ द डिस्प्यूटेंट आर वुमन, टू प्रोफिनिटी, प्रोफिनिटी यानी गालियां बकते हैं एक दूसरे को, एंड ऑब्सेनिटी, ऑब्सेनिटी यानी बेहूद, अपन बहुत गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं ऑल्टरकेशन में। यू हैव ऑल्टरकेशन इन शॉर्ट ओवर प्रिटी इंपॉर्टेंट इशू, एंड द वर्ड इम्प्लाई दैट यू हैव क्वाइट एक्साइटेड, अगर आपका, अगर आप ये ऑल्टरकेशन बंदा वो होते हैं जो क्वाइट एक्साइटेड होते हैं, मतलब कि वो उसको लड़ने के लिए उतावले ही होते हैं, एक्साइटेड होता, उतावला होता है। अब बात करते हैं ऑल्टर ईगो के ऊपर, ऑल्टर ईगो, देखो ऑल्टर का मतलब होता है अदर, ऑल्टर का मतलब होता है अदर, समझ जाओगे इससे। ईगो का क्या मतलब होता है, आई, ये चीजें तो ये अदर आई यानी कोई, अभी समझो, देखो ऑल्टर ईगो होता है विच कंबाइन ऑल्टर मीनिंग यानी अदर विद ईगो, जिसका मीनिंग होता है आई, सेल्फ यानी सेल्फ,
जनरली रेफर टू समवन विद होम यू आर सो क्लोज, एक ऐसे पर्सन को वो रेफर करता है जिसके साथ आप बहुत क्लोज हो, दैट यू बोथ डू द सेम थिंग, और आप दोनों ही सेम थिंग करते हो, एक जैसे सोचते हो, एक दूसरे रिएक्ट करते हो, एंड और इन टेम्परमेंट टेम्परमेंट और मतलब कि गुस्सा भी एक जैसे एक समान होते हो, ऑलमोस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और एक दूसरे की इमेज हो, मिरर इमेज हो, यानी आप सामने खड़े हो, वो समझ लो आपके शीशा ही है आपके सामने वो बंदा, ठीक है, सेम ईच अदर, एनी सच फ्रेंड यू इज योर अदर आई, ऐसा कोई आपके पास फ्रेंड है जो आप ही जैसा हो, यानी अदर आई, अदर आई का मतलब यानी आप ही हो जैसे अलग से, तो इसीलिए तो योर अदर सेल्फ, यू योर अल्टर ईगो, तुम्हारा ही जैसा कोई, यानी इसे कहेंगे अल्टर ईगो, ये होता है अल्टर ईगो, क्लियर। यहाँ पे बहुत इजी से वर्ड से हमने 13 वर्ड कर लिए बहुत इजी से, और इससे पहले हम 10 वर्ड्स ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं, उन्हीं 13 वर्ड से, उन्हीं 10 वर्ड के 2-3 वर्ड से हमने 13 वर्ड ड्राइव किए हैं। अभी देखो, अभी आपको करनी है सिंपल इसकी प्रोनंसिएशन, प्रोनंसिएशन करनी है आपको, ये देखो ये तो बिल्कुल ईजी से, ईगो ये होगा ईगो सेंट्रिक, अगर आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं तो और ईजी हो गया होगा, ये होगा ईगो मैनियक, ईगो मैनियक, ये होगा ईगो मैनियकल, एल्ट्रुइज्म एल्ट्रुइज्म, ये होता है अल्ट्रुइस्टिक अल्ट्रुइस्टिक, इससे होता है टू ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट, ये भी ऑल्टरनेट ही है, ये एक वर्ब की तरह है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है, ऑल्टरनेटिव, देखो यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ऑल्टर ऑल्टरनेटिव ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरकेशन ऑल्टरकेशन के आना था यहाँ पे, केशन ऑल्टरकेशन ऑल्टरेशन, अच्छा ये है ऑल्टरेशन, ये सही है ऑल्टरेशन, ऑल्टर हो गया, ये हो गया ऑल्टरकेशन, ये हो गया ऑल्टरकेशन, ये हो गया ऑल्टर ईगो, ये हो गया ऑल्टर ईगो, क्लियर। यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करनी है और एक एक वर्ड आपको खुद लाउडली बोलना है, ये अलाउड, यहाँ लाउड का मतलब होता है लाउड, और अलाउड में भी फर्क होता है, लाउड का मैं बताता हूँ, इतनी तेज में बोलना है कि आपको खुद को समझ आ जाए, आपको खुद को सुनाई दे जाए, ना कि लोगों को समझ, ना लोगों को बताना है, तो वीडियो पॉज करनी है आपको, खुद को बोल, ओके ये भी एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए और एक बार करने की कोशिश करिए, बोलने की कोशिश करिए, अच्छी चीजें हैं। चलो भी बढ़े आगे आ जाओ भाई, अब आपको क्या करना है, वही चीज, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो 13 वर्ड आएंगे, जो अभी 6 आए हैं उसके बाद कुछ और आएंगे, तो आपको क्या करना, वही सिंपल, ये ईगो इन 6 में से किसको रिप्रेजेंट करता है आपको बस वो देखना है, ठीक है, मुझे वही बताना है, तो वीडियो पॉज करो और स्टार्ट कर दो, पहले वाले की तरह है सेम टू सेम, जैसे पहले मैंने कराया था वही सेम टू सेम, ओके चलो करें स्टार्ट। वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओवन डिजायर नीड्स एटसेट्रा, जो खुद बंदा क्या होता है अपना, अपने बहुत ज्यादा अपने डिजायर के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि एक्सेसिवली फिक्सड फिक्स होता है कि मुझे बस मैं मेरी ही चीज चाहिए, तो वो क्या होता है उसे आप क्या बोलोगे, देखो इनमें से 2 ही वर्ड आपके सामने बचते हैं, ईगो और ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक यानी वो बंदा सिर्फ ईगो वाले ही तो वर्ड बताएंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आप मुझे बताना है कि आप इन दोनों में से, देखो ईगोसेंट्रिक ही बंदा है वो जो ये करेगा, क्योंकि ईगो क्या करेगा वो तो भाई वंस कॉन्सेप्ट फॉर वन सेल्फ, अपने लिए सिर्फ अपना अपना सिर्फ इतना ही सोचता है वो, ठीक है, ईगो का मतलब होता है वंस कॉन्सेप्ट ऑफ वन सेल्फ, ईगोसेंट्रिक का मतलब होता है वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेटेड ऑन हिज ओन डिजायर्स नीड्स एटसेट्रा। आगे आ जाओ भाई, टू चेंज, चेंज कर देना, चेंज कर देना भाई, टू चेंज ऑल्टरनेट होता है या ऑल्टर होता है, ऑल्टरकेशन देखो, ऑल्टरकेशन मैंने बताया, देखो भाई ऑल्टर होता है, यही होता है ऑल्टर होता है टू चेंज, ओके अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट होता है टू टेक वन एंड स्किप वन एटसेट्रा, यही चीजें होती है, अल्टरकेशन के सामने आपके सामने बच गया, नहीं, अल्टरकेशन के सामने आपके होता है आर्ग्यूमेंट, एल्ट्रुइज्म होता है फिलोसफी ऑफ पुटिंग अदर्स वेलफेयर वेलफेयर अबोव वंस ओन, यानी एक ऐसा सिद्धांत दूसरों का भला करना अपने से पहले, एल्ट्रुइज्म कहलाता है, वाह क्या बात है, समझ में आया। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ही करनी है ये एक्सरसाइज भी, आप खुद करेंगे, चलो करें स्टार्ट। इगोमैनियकल, इगोमैनियकल आपको यहां से पढ़ना है, इगोमैनियकल क्या है, ए चेंज यानी ए चेंज क्या है, अल्टरनेटिव है, अल्टरेशन है, अल्टर ईगो है या अल्टरनेट है, अल्टरनेट देख लो भाई, समझ लेना,
अदर पॉसिबल क्या है, अदर पॉसिबल क्या है, मुझे बता दो जल्दी से, अदर पॉसिबल क्या है? अगर इंटरेस्टेड इन द वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों का भला करने में कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? एक ही वर्ड चमक रहा है इसमें तो कुछ है भी नहीं। वंस अदर वन सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, खुद के ही तरह दूसरा। एक चॉइस किस में होती है? मोरबिडली ऑब्सेसिवली रैप्ड अप इन वन सेल्फ, अब बीमारी की तरह, एक पागलपन की तरह अपनी ही इच्छा इसके साथ कौन चिपका रहता है? ये तो एक ही वर्ड यहाँ पर आता है, इगो मैनिएकल। एक जो चॉइस होती है वो होता है ऑल्टरनेटिव, वंस वन सेल्फ होता है ऑल्टर इगो, ऑल्टरेशन ऑल्टरेशन हो गया। अब यहाँ पर एल्ट्रुइस्टिक इंटरेस्ट, ये होता है दूसरों का भला करने वाला, वेलफेयर। ऑल्टरनेटिव अदर पॉसिबल, ऑल्टरनेटिव होता है अदर पॉसिबल। ऑल्टरेशन होता है, ऑल्टरेशन होता है चेंज, ए चेंज इनटू समथिंग, ए चेंज इनटू समथिंग। क्लियर यहाँ पे आ जाओ भाई। अब आपको यस यस और नो बताना है इसमें से। रिजेक्शन यूजली ब्लो टू वंस ईगो, क्या कोई लड़की, मैं रिजेक्शन का यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ, एक लड़की का किसी लड़के को मना करना उसका प्रपोजल, क्या उसके ईगो को ब्लो नहीं करेगा? यस और नो? यस, वो यस हाँ जरूर करेगा भाई। आगे आओ, आर ईगो सेंट्रिक पीपल इजी टू गेट अलोंग विद, क्या ईगो सेंट्रिक पर्सन क्या दूसरों के साथ खुश होगा, ये चीज बता दो, अलोंग विद दूसरों के साथ? नो, वो कभी नहीं भाई, क्योंकि ईगो सेंट्रिक बंदा तो सिर्फ अपना ही सोचता है ना, अपना भला हो। डज एन ईगो मैनिएक हैव ए नॉर्मल पर्सनैलिटी? नो, ईगो मैनिक तो पागल होता है, डेंजरस होता है, ये हमने पढ़ा। तो अब क्या होगा? नो देखो, मैंने पहले बोलना भूल गया हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो पॉज करनी है और खुद करना है, ये तो मैं करवा ही दूंगा। क्लियर? यहाँ पे ईगो मैनिक हो गया, आगे आ जाओ भाई। एन ईगो मैनिकल टेंडेंसी ए साइन ऑफ मैच्योरिटी? नहीं भाई, मैच्योरिटी का कहाँ से साइन दिखा देगा ईगो मैनिकल? ईगो मैनिक तो एक पागल इंसान है। नो आगे, एंड इज एल्ट्रुइज्म ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सेल्फिश पीपल? नहीं भाई, एल्ट्रुइज्म तो दूसरों का भला करने का सिद्धांत है, सेल्फिश कैसे हो सकता है? तो ये भी नो हो गया हमारे सामने। आगे से, आर एल्ट्रुइस्टिक टेंडेंसी कॉमन टू इगोइस्ट? नहीं भाई, क्या एल्ट्रुइस्टिक की जो टेंडेंसी होती है, उनका झुकाव क्या वो एगोइस्ट के समान होती है, इगोइस्ट के समान होती है? नहीं भाई, ये भी नो हो गया। एंड इज एन अल्टरनेट प्लान नेसेसरी इन्फीरियर? देखो ये क्या बोल रहे हैं कि एक प्लान को अल्टरनेट करना, चेंज करना, क्या वो हमेशा कम हो सकता है, मतलब कि उसकी पहले वाला अच्छा था दूसरे वाला खराब हो, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे नो ना गया। जो डज एन अल्टरनेटिव अलो यू सम फ्रीडम ऑफ चॉइस? यस, अल्टरनेटिव का मतलब होता है चॉइस करना, चूज करना किसी चीज को, तो यस भाई ये हो गया यस। आगे, डज अल्टरेशन, अल्टरेशन इम्प्लाई कीपिंग थिंग दी सेम? नहीं भाई, कि अल्टरेशन का मतलब तो ये होता है ना, चीज अलग कर देना, चेंज कर देना। यहाँ पे आ जाओ, डू एक्साइटेबल पीपल ऑफन एंगेज इन अल्टरकेशन? यस, कि भाई एक्साइटेड ही बंदे तो होते हैं, उतावले होते हैं लड़ने के लिए, तो यस। इज योर ऑल्टर ईगो यूजली क्वाइट सिमिलर टू योर सेल्फ? जो ऑल्टर ईगो होता है वो क्या तुम्हारी तरह होता है सेम टू सेम? यस भाई, ऑल्टर ईगो का मतलब ही तो अदर आई होता है ना। क्लियर? यहाँ पे ये हो गया आपके सामने तीसरी थी, अभी चौथी एक्सरसाइज है। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब उनकी स्पेलिंग पूरी करनी है। हिंट मैंने यहाँ पे देख रहा है कि ये ए से स्टार्ट होगा, ये भी ए से स्टार्ट होगा। वीडियो पॉज करो और स्टार्ट करो, फिर मैं करवाता हूँ। करें भाई, स्टार्ट करें। ओके, जो पहला वर्ड है वो जो वंस व अदर सेल्फ, यानी वंस दूसरों की तरह, दूसरों की तरह, वंस अदर सेल्फ, ये कैसा होता है? होता है ऑल्टर, ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो। आगे आ जाओ भाई, टू चेंज, चेंज करना, टू ऑल्टर, ऑल्टर हो गया। ए हिटेड डिस्प्यूट, ऑल्टरकेशन, ऑल्टर केशन। ओके, एक बहुत बड़ी हीटेड मतलब गर्मा गर्म। एक्सेसिवली मोरबिड ऑब्सेस्ड विद वंस ओवन नीड्स डिजायर्स एंड एम्बिशन, ईगो मैनियक, ईगो मैनियकल, ईगो ईगो मैनियकल, ईगो मैनियकल। अनसेल्फिश, मोर इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर देन वंस ओवन, मतलब दूसरों का भला करना अपने से पहले क्या होता है, एल्ट्रुइस्टिक।
एल्ट्रुइस्टिक, ओके, अटरली इन्वॉल्व विद वन सेल्फ सेंटर्ड, मतलब अपने ही उसमें खोना, मतलब ऊपरी तौर पे क्या होता है, इगो सेंट्रिक, इगो एक चॉइस, एक चॉइस होना, अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, वन हु सब्स्टिट्यूट फॉर अदर, जो मतलब दूसरों के मतलब चेंज हो जाए किसी और चीज में, अल्टरनेट। लो भाई, ये तो था आपका सीजन टू जो एंड होता है यहाँ पे। आपने पहली वाली वीडियो में 10 और अब 13 टोटल हो गया आपके, 23 वर्ड्स। काफ़ी अच्छे हैं ये वर्ड्स, बहुत अच्छे हैं, जो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, पूछे जाते हैं। आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे और भी करेंगे, बस आपको क्या करना है, साथ साथ ही बने रहना है। जैसे जैसे बोल रहा हूँ, जैसे जैसे करने को बोल रहा हूँ, वो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे, देखो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ना तो यहाँ लाइक के लिए, ना सब्सक्राइब के लिए कुछ करने को बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ जैसे जैसे इंसान, जैसे जैसे बच्चों को लूटा जा रहा है ना, बस मैं उन चीज़ों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो यार, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से नहीं होगा, बहुत सी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर आपको कहीं पर भी ऊपर नहीं लेके जाने वाली, अगर आपने ये चीज़ें नहीं की तो। जो टीचर्स नहीं करवाते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर करवा दूँ आप लोगों को। जो एक अच्छी बुक है, कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं कंप्लीट करवा दूँ। ओके, तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वो जाके देखें, बहुत अच्छी वीडियो है। मैथ की भी है उसमें, इंग्लिश की भी बहुत अच्छी मैंने वीडियो, हो सके उतनी अच्छी देने की, मैंने नॉलेज जितनी अच्छी नॉलेज हो सके मैंने उतनी ही कोशिश की है। क्लियर यहाँ पे? आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास बुक्स नहीं है, और जिनके पास कोचिंग को रुपए दे कोचिंग को देने के लिए रुपए नहीं है, अपने घर पे बैठ कर आराम से पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है, ये चैनल उनके लिए है। तो लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।